again. Redskin. अगर आपको 18,000 के अंडर में एक अच्छा तगड़ा लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो ये वीडियो स्पेशल हमने आपके लिए ही बनाया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताएंगे जिसे आप खरीद पाएंगे 18,000 के अंडर में। अगर आपको 18,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। और इन सभी फोन में आपको पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे, एंड अच्छा कैमरा मिलेगा, 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर पाएंगे। अच्छा डिस्प्ले होगा, हाई रिफ्रेश रेट होगा, फास्ट का सपोर्ट भी मिल जाएगा और 8GB तक का रैम भी मिल जाएगा। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है, तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारे लिस्ट का पांचवें नंबर पे आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G। काफी अच्छा फोन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। अगर आपको 18,000 के अंडर में कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इनमें आपको 6.7 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और इनके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 700 nits का ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आप आउटडोर में भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। ये तो हो गया डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो आपको 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, बाकी का कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसर और माइक्रो फोटो के लिए है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर एंड बैटरी का, तो आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा और यह प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं और 3.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतु स्कोर भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर ठीक ठाक ही है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 33 वाट का चार्जर को। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 8GB का रैम एंड 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 2TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अगर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे भी। ये फोन जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, डुअल स्पीकर दिया गया है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप 2 SIM एंड 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा और यह फोन 188 ग्राम वेट के साथ आता है जो कि लगभग नॉर्मल ही है। 7.9mm का थिकनेस है, काफी पतला सा फोन है। इस फोन का लुक डिजाइन जो है ना काफी खूबसूरत सा है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो XOS 10.6 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। अब बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन को लेने के लिए आपको 17,999 रुपया देना होगा। 18,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। और आपको बता दें कि अभी अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो 14,500 रुपया में आपको मिल जाएगा। तो हमारे लिस्ट का फोर्थ नंबर पे आता है मोटो के तरफ से मोटोरोला S20 फ्यूजन 5G और यह फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको 18,000 के अंडर में मिल जाएगा और यह फोन जो है ना काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और इनमें आपको नॉर्मल 90 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। स्मूथनेस ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड पीछे का ही कैमरा से 1080p पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर, और फ्रंट कैमरा से केवल 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इनमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और यह प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं, एंड 3,60,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 30 वाट का चार्जर को। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो आपको 6GB का रैम एंड 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे भी। तो यह फोन जो है ना 185 ग्राम वेट के साथ आता है, 8.2mm का थिकनेस यानी कि काफी पतला सा फोन है।
3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है और यह फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 11 पर। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरियंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 17,999 रुपया है। अगर आपको 18,000 रुपया में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का थर्ड नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T1 5G। अगर आपको 18,000 के अंडर में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और इनमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल जाएगा, जिससे आप 2 सिम एंड 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5mm वाला हेडफोन जैक दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा और यह फोन 187 ग्राम वेट के साथ आता है, जो कि नॉर्मल ही है। 8.2mm का थिकनेस है, यानी कि काफी पतला सा फोन है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फनटच ओएस 12 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा LCD पैनल के साथ, और इनको स्मूथ करने के लिए 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा थर्ड कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि माइक्रो फोटो और डेप्थ सेंसर के लिए है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, लेकिन कैमरा काफी अच्छा से कस्टमाइज किया हुआ है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोज वीडियोज क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 4 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर काफी अच्छा है। बात करें बैटरी का, तो आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो 4128 के लिए आपको 15,990 रुपया देना होगा और 6128 के लिए आपको 16,990 रुपया देना होगा। एंड 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस कुछ ज्यादा ही है, 19,990 रुपया 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो अपना बजट के हिसाब से वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का सेकंड नंबर पे आता है Realme की तरफ से Realme 9 Pro 5G। ये फोन भी जो है ना अभी के टाइम पे आपको 18,000 रुपया में मिल जाएगा और काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है एंड 400 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाएगा, ज्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक ही है। और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। बात करें स्मूथनेस की, तो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है, जिससे अगर आप इस में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। और आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा और ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 4 लाख प्लस अंतुतु स्कोर है इस फोन का। 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। बात करते हैं रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इस फोन का प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले कर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे भी। फोन का वेट 195 ग्राम है, जो कि लगभग नॉर्मल ही है। 8.5mm का थिकनेस, यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, जिससे आप 2 सिम या फिर 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो रियलमी UI भी 3.0 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। अब बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट अभी के टाइम पे आपको 17,999 रुपया में मिल जाएगा। अगर आपको 18,000 रुपया में एक अच्छा ऑलराउंडर तगड़ा लेवल का स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का।
तो हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है पोको की तरफ से पोको X4 Pro 5G। दोस्तों यह फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको 18,000 के अंडर में मिल जाएगा। अगर आपको 18,000 के अंडर में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए ना तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। इस फोन का ग्लास का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और यह फोन 205 ग्राम वेट के साथ आता है। 8.1 mm का थिकनेस है, काफी पतला सा फोन है। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आने वाला है। एंड 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है जो कि काफी अच्छा है। बात करें स्मूथनेस की तो इनमें आपको 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है जिससे आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 MP का है, सेकेंड कैमरा 8 MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। थर्ड कैमरा 2 MP का है और सेल्फी कैमरा 16 MP का दिया गया है। और आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर एंड बैटरी का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर भी जो है ना 6 nm पर ही बना हुआ है। प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 4 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W का चार्जर को। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 16,000 रुपया देना होगा। 6x128 के लिए आपको 17,000 रुपया देना होगा एंड 8x128 के लिए आपको 19,000 रुपया देना होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो अपना बजट के हिसाब से वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। यही था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।